सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग। सो गाइस 22 जून को है आपके भाई का बर्थडे और मैं बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बर्थडे में ना गाइस मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। मैंने बहुत सारा बर्थडे बनाया बट इतना बड़ा सरप्राइज मुझे कभी भी नहीं मिला। इस बर्थडे में मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ और वो सरप्राइज मेरा ड्रीम बाइक रहने वाला है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था गाइस, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जा रहे थे, लेकिन इस बर्थडे में कंफर्मली मैं सोच रहा हूँ कि उस ड्रीम को पूरा कर ही लूँ। सो आज मैं और पापा जाने वाले शोरूम, अपनी ड्रीम बाइक का जितना ही पेपर वर्क वो सारा कुछ कंप्लीट कर लेते और अपने बर्थडे के दिन अपने उस ड्रीम बाइक का डिलीवरी गाइस ले ही लेंगे। ये अब देखो मैं तैयार होकर रेडी हूं और मेन टाइम में पापा ही कहां चले गए। गाड़ी तो यहां पे लगा हुआ है बट पापा ही गए हुए और एक्साइटमेंट में भाई एक एक मिनट भी नहीं गुजरता है। सो जैसे पापा आते उसके बाद फिर हम डायरेक्ट शोरूम चलते हैं। चलो गाइस, काफी वेट कराने के बाद फाइनली हमारे पापा जी भी आ चुके हैं। सो चलो फटाफट से चलते हैं शोरूम और आज पेपर वर्क का जितना भी काम है ना वो सारा कुछ क्लियर कर देंगे, बस बर्थडे के दिन जाकर बाइक का डिलीवर लेना है। तो चलिए पापा चलते हैं। चलो। सो पापा जी भी काफी एक्साइटेड है क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग ना सिर्फ ये एक्टिवा में चल रहे थे, अब पापा जी को भी मौका मिलेगा बाइक में चलने का। सो हम और पापा बाइक में तबाही हो जाएंगे। चलिए रेडी रेडी चला जाए। तो सुहानी आ चुकी है फोन लेके, पापा अपना फोन घर पे ही छोड़ दिए थे। चलो गाइस फाइनली हम लोग शोरूम पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं फटाफट से अंदर और सारा कुछ क्लियर करते हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पे हमारा पेपर वर्क चल रहा है और आपको आज मैं नहीं बताने वाला हूँ कि वो बैग कौन सा है, बस इतना जान लो कि वो जो बैग है ना वो अभी काफी डिमांडिंग में चल रहा है। मतलब प्री बुकिंग बहुत पहले कराया था, आज से लगभग 20 दिन पहले 1 जून को, तो समझ सकते हो कितना डिमांडिंग है। तो आप लोग गेस कर सकते हो, तो कमेंट करके मुझे बता देना कि वो बैग कौन सा है, वो चीज रिवील करूंगा अपने बर्थडे के दिन। ये दोनों है R15 का नया मॉडल 4.0, सो काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, अलग व्हील चेंज कर दिया गया और पूरा रेड कर दिया गया। बाकी एक व्हाइट भी कलर आया जो कि ये फर्स्ट टाइम व्हाइट कलर है, पूरा व्हाइट है। ये सब गाड़ी सही रहेगा पापा? ना क्या दिक्कत है इसमें, कहने पसंद है आपको? अच्छा तो लग रहा है लेकिन मतलब आपने चिल्ला पाया है इसलिए अच्छा नहीं है। समझ रहे पापा का फीलिंग, टर्निंग लेना पड़ेगा। अच्छा एक बार बैठिए, तो बैठिए ना। पापा को ये बाइक इसलिए पसंद नहीं आ रहा ना क्योंकि पापा इस बाइक को नहीं चला पाएंगे। देखो पापा में काफी सूट भी कर रहा है, ऐसे अगर चलेगा ना तो आपका पेट अंदर हो जाएगा। ये रेड कलर ना पापा को काफी मस्त लगा, व्हाइट से भी अच्छा लगा। ये बैग लेने से ज्यादा एक्साइटमेंट पता है गाइस मुझे किस चीज का हो रहा है कि बैग लेने के बाद मैं उस बैग को फुल मॉडिफिकेशन कराऊंगा, पूरा राइडिंग गियर के साथ में चलूंगा। मतलब इस टाइप का ना एक्साइटमेंट हो रहा है, बैग का भी उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, बैग लेने के बाद का एक्साइटमेंट हो रहा है, पता नहीं ये कौन सा एक्साइटमेंट है मेरा। फाइनली हमारा सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं घर, उसके बाद फिर हम लोग बर्थडे के दिन आते हैं और फिर अपने ड्रीम बैग का डिलीवरी लेते हैं। और अचानक से देखो बारिश भी आना शुरू हो चुकी है, अचानक से मौसम खराब कर दिया। चलिए चलिए उतर के जाओ, भयंकर वाला बारिश आ गया। चलो फाइनली हम लोग घर तो पहुंच चुके हैं लेकिन दोनों बाप बेटे हम लोग भीग चुके हैं। चलिए घर आने के बाद गाइस कपड़ा वपड़ा चेंज करके खाना वाना खा लिया और अभी यहाँ पे देख रहे हो बच्चे लोग पता नहीं सेगा से कि कौन सा गेम खेल रहे। मैंने सोचा कि मुझे भी खेलना चाहिए और इन लोगों को सीखना चाहिए, तो चलो शुरू किया जाए। अबे पूरा लाल हो गया। हम भी साइड में को मुंह मत देने को, क्या बोला तूने? तो चलो गाइस अब अपने सभी दोस्तों को एक एक करके कॉल कर लेते हैं और अपने जन्मदिन का स्पेशल इनविटेशन उन सभी को दे देते हैं क्योंकि बर्थडे तो भाई बहाना है, मुझे तो अपना बैग जो दिखाना है। बात तो सही है। क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि मैं कोई बैग वगैरह ले रहा हूँ, सो इसी बहाने उन लोगों का रिएक्शन भी मिल जाएगा और उन लोगों को सरप्राइज भी मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से कॉल कर दे, और कॉल करूंगा ना तो एक लिमिट बन जाएगा कि कितने लोग आने वाले, उस हिसाब से मैं वो सारा कुछ अरेंजमेंट करूंगा। दो
2 दिन पहले इसलिए बोल रहे ना भाई, ताकि बर्थडे में हो तो खाली हाथ ना हो, कोई अच्छा गिफ्ट वगैरह ले दो आना। अरे आओ ना भाई, कुछ स्पेशल चीज दिखाना है तुम लोगों को। अब हम ही से पूछते हो भाई क्या गिफ्ट लोगे। एक काम करना ना, 2 लीटर पेट्रोल लेके आना। सो अभी बच चुके गाइस शाम के 7 और काफी जोर का भूख लग चुका है। सो अम्मी हम सभी के लिए बना रही है मड़ुआ का रोटी, जो कि भाई काफी यूनिक दिखाई देता है, देख सकते हो बिल्कुल काला है तो इस टाइप का दिखाई देता है भाई, लेकिन खाने में बहुत मजा आता है। और वो भी घी के साथ बना रही है अम्मी, मस्त लगता है। अब कोई फायदा में इसको खाने से? कैसे नहीं, पेट साफ करता है। साल में अम्मी कहती है, मेरी अम्मी कहती है कि साल में एक बार खाना चाहिए। चलो भाई सब बनकर तैयार हो चुका है, काला रोटी काला चाय खा के देखते हैं कैसा लगता है। So, काफी सारे दोस्तों को गाइज मैं कॉल के थ्रू इनविटेशन दे दिया और काफी सारे दोस्त लोग हम लोग शाम पे बैठे हुए। सो अभी इन लोगों को फेस टू फेस इनविटेशन दे देता हूँ। सुन लो भाई लोग, 22 तारीख शाम 6 बजे सभी को रहना है, ठीक है? अब पता है किस लिए रहना है वो तो पता ही होगा, दोस्तों देखता तो जानते ही हो गए। क्या किया कबीर, क्या कर रहा है? देख रहे भाई रईस हो गया, बहुत मतलब आईफोन सही बात कर रहा है। कल ही कॉल भी करता है ना, तो ऐसे करता है, कैसे कॉल करता है? हेलो, फोन आएगा ना साहिल का, तो बात करेंगे। हेलो, हाँ आईफोन से बोल रहे हैं, आईफोन से। अच्छा भाई लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बर्थडे तो बहाना है, तुम लोगों को कुछ और ही चीज दिखाना है, स्पेशल है कुछ, इतना समझ ले। पक्का आना, ठीक है? हम चलते हैं तब। अच्छा तुम लोग बैठा हुआ है ना, बीच में कटोरा रख लो, पैसा कमाने का बहुत अच्छा आइडिया है भाई। देख रहा, अब आईफोन वाला हो गया ना, बाय भी करेगा तो आईफोन से ही बाय करेगा। तो फिलहाल गाइस आज की इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं और बर्थडे का आप लोग वेट करो, वहाँ पे सभी को सरप्राइज मिलने वाला है। मेरे जितने भी दोस्त लोग है ना, सारे लोग एक्साइटेड है। सो एक्साइटेड है भाई। तो चलो गाइस आज की इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले एंड प्रेस ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।